हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई। जहाँ मैं बात करती हूँ यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक विजिट वीज़ा होल्डर के ऊपर कैसे 5,000 दिरहम तक का फाइन आया है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके। तो दोस्तों, आप लोगों में से अधिकतर जो लोग दुबई आते हैं विजिट वीज़ा में ही आते हैं। जब विजिट वीज़ा में आते हैं तो दुबई आपको सिम कार्ड दी जाती है, ठीक है। एज ए विजिटर आपको यहाँ का यूएई का सिम कार्ड मिलता है, उसके बाद आप उसको यूज कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, इंटरनेट पैक डलवा सकते हैं, सारी चीजें उसमें एक्टिवेट हो जाती हैं और आप लोग एज इट इज नॉर्मल सिम कार्ड के जैसे ही उसको यूज करते हैं। लेकिन गलती यहाँ कर बैठते हैं कि आपको जहाँ अपना नंबर नहीं देना चाहिए वहाँ पर भी आप लोग नंबर डिस्ट्रीब्यूट अपना कर देते हैं। जॉब के लिए आप दे सकते हैं, सीवी में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन किसी को भी, किसी अनजान व्यक्ति को बिल्कुल भी अपना नंबर शेयर मत कीजिए या किसी को भी अपना फ़ोन यूज़ करने के लिए मत दीजिए। बहुत लोग होते हैं स्पेशली देरा बरदुबई करामा साइड जो लोग भी रहते हैं, आपको पता है वहाँ पे अगर कोई भी अनजान व्यक्ति आ रहा है और आपसे पूछ रहा है कि मुझे एक हेल्प चाहिए, मुझे एक फ़ोन करना है, ये करना है, तो मैं बोलूँगी सेफ साइड बिल्कुल भी मत दीजिए। मुझे पता है हेल्प करनी चाहिए एक दूसरे की, लेकिन वो बंदा हेल्प करने ही गया था और बहुत बुरी तरीके से फंस गया, एक गैंग के बीच में फंस गया और उसका नंबर सारी जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गया। लास्ट में उसको ब्लैकमेल किया गया, उसके पास जितने पैसे थे, उसके पास एक वॉच थी और उसने चांदी का चेन वगैरह भी पहना हुआ था, वो भी उस गैंग ने पूरा ले लिया और उसके पास एक भी पैसा नहीं था, ठीक है। ऐसा होने के बाद उसने अपने एम्बेसी में कॉन्टैक्ट किया, बहुत मुश्किलों के बाद उसको यहाँ से जाने का मौका मिला क्योंकि उसके पास एक भी पैसा नहीं था। जॉब सर्च करने के लिए आपको पता है बेड स्पेस का पैसा देना पड़ता है, खाने का पैसा होना चाहिए, इधर उधर जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का पैसा होना चाहिए, लेकिन उस बंदे के पास एक भी पैसा नहीं था, पूरा पैसा उसका लूट लिया गया। पुलिस को जब उसने कंप्लेन किया तो पुलिस ने उसी को गलत फरमाया क्योंकि गलत काम उसने ही किया था। अपना नंबर किसी ने भी शेयर नहीं करना है, इलीगल काम बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं करना है। तो गैंग को हालांकि बहुत जल्द पकड़ा जाएगा, लेकिन बंदे के ऊपर भी 5,000 दिरहम तक का फाइन आया। अब फाइन पे करने के लिए उसके पास पैसे नहीं है तो ऑब्वियसली उसको यहाँ से आउटपास बना के भेज दिया गया और वो यूएई नहीं आ सकता, लाइफ टाइम ट्रैवल बैन हो गया। तो बंदे की कोई भी गलती नहीं थी, सिर्फ ये गलती थी कि उसने गलत जगह अपना नंबर शेयर किया और उसके ऊपर फाइन आया। फाइन नहीं देने के कारण आउटपास बनवा के उसको जाना पड़ा। तो देखिए, यहाँ आने के बाद किसी से भी नंबर शेयर मत कीजिए, कोई भी इल्लीगल काम में आप लोग इन्वॉल्व मत होइए, ये दोनों ही बहुत बुरी चीज़ है। इलीगल काम में अगर इन्वॉल्व होते हैं तो पुलिस ये नहीं देखेगी आप बाय मिस्टेक उस इलीगल काम में इन्वॉल्व हुए हैं, बल्कि आपके ऊपर भी अच्छा खासा फाइन आ सकता है। तो गाइज, आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। और भी कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।